गाइस वेलकम टू माय चैनल। तो सबसे पहले गुड मॉर्निंग। अभी जो है एकदम सुबह के 7 बज रहे हैं और मैं सो के उठी हूँ। तो पापा बोले हैं कि हमारे बाड़ी में जो है मशरूम निकला है, तो वहीं हम तोड़ने जा रहे हैं और उसका जो है सब्जी बनाएंगे। जो चलिए देखते हैं कहाँ पे मशरूम निकला है। मुझे मशरूम खाने में बहुत ही अच्छा लगता है, तो चलिए हमारे साथ मशरूम तोड़ने के लिए। और जो जो मेरे चैनल पर नए हैं जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। चलिए बाड़ी हमारे साथ। सो ये रहा हमारा बाड़ी। तो चलिए देखते हैं मशरूम कहाँ पे निकला है। तो देखिए ये रहा मशरूम, ज़्यादा नहीं है, 5-6 होगा। और ये देखिए कोको को, पापा मम्मी जो है बाड़ी में काम करते हैं और ये पूरा बदमाशी करता है, ये और अंशु दोनों। क्या अंशु? तो देखिए हमारे बगान में जो है अभी भी खीरा का लत है, लेकिन अभी जो है फला नहीं है। और वो देखिए कोको मम्मी को पूरा परेशान कर रही है। ये देखिए हमारा बाड़ी, ये जो है लाहड़, लाहड़ मतलब अरहर, अरहर दाल होता है ना वही है। देखिए ये बैर का पेड़ है। देखिए इधर इधर सब्जी भी है। अंशु कहाँ खा रही है? कहाँ मिला? तो देखिए खीरा भी पकड़ा हुआ है वहाँ पे। तो हम लोग जो है घर जा रहे हैं। कोको को जो है बाड़ी में रहना बहुत पसंद है। देखिए घर नहीं जा रहा है, सारी जा रही है, घर नहीं जा रही है। देखिए घर इसको ले जा रहा है तो मम्मी पापा को परेशान करे, इसलिए इसको घर ले जा रहे हैं। तो दीदी जो है यहाँ पे मशरूम को धो ले रही है, क्योंकि इसमें जो है गंदा भी था थोड़ा सा, मिट्टी वगैरह लगा हुआ है, उसे साफ कर रही है। और अंशु अपनी मम्मी का हेल्प कर रही है। देखिए तो इसे जो है बहुत ही अच्छे से साफ किया जाता है। देखिए छोटा छोटा करके इसे पीसेस में डिवाइड किया जाता है और अच्छे से देख के इसमें जो है पिल्लू भी रहता है। मशरूम जो है 1 से 2 दिन अगर ज़्यादा मतलब जहाँ पे उगता रहेगा तो वहाँ पे जो है पिल्लू आ जाता है। तो इसे जो है ध्यान से देख के और अच्छा से इसे साफ कीजिएगा। तो ये रहा, इतना सा हुआ है। अब इसे जो है गर्म पानी में उबाल लेंगे है थोड़ा सा, ताकि इसमें कुछ भी अगर है तो वो बाहर निकल जाएगा और इससे जो है मशरूम अच्छी तरह से साफ भी हो जाएगा। तो मशरूम जो हमारा उबल चुका है, इसे जो है हम छान लेंगे अच्छी तरह से और इसे रख देंगे साइड में। तब तक जो है हम अपना मसाला देख लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि हमने मशरूम को जो है पानी में अच्छी तरह से धो के रख लिया उबाल के, और ये रहा लाल मिर्च 2, और ये प्याज बारीक कटा हुआ, ये हल्दी, ये नमक और ये टमाटो सॉस है। टमाटो सॉस ऑप्शनल है। तो सबसे पहले हम एक कढ़ाई गर्म कर लेंगे, उसमें डालेंगे हम लोग सरसों का तेल। तो सरसों का तेल गरम होने देंगे, फिर हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च। अब इसमें हम डालेंगे प्याज, प्याज को जो है थोड़ा देर के लिए भून लेंगे हम। तो प्याज जो है सुनहरा हो चुका है, अब हम इसमें डालेंगे मशरूम और मशरूम को डाल के इसे जो है फिर से जो है हम अच्छे तरह से पकाएंगे। इसे जो है चलाते रहना है और फ्लेम जो है बहुत हाई नहीं होना चाहिए, मीडियम से थोड़ा लो ही रखें फ्लेम।
और इसे चलाते रहें। अब हम डालेंगे इसमें नमक, तो नमक को डाल के भी इसे जो है चलाते रहना है। इसमें हल्दी पाउडर ऐड करेंगे जो कि एकदम थोड़ा सा रहेगा, ज़्यादा नहीं। तो अब हम इसमें डालेंगे, देख सकते हैं आप, हाफ टी स्पून से भी कम है टमेटो सॉस। इससे जो है टेस्ट अच्छा आता है। आपको अगर नहीं पसंद है तो आप नहीं यूज़ कर सकते हैं, मैंने पहले ही बोला था ये ऑप्शनल है। तो ये हमारा लगभग जो है रेडी ही हो चुका है। तो हमारा मशरूम जो है बनके रेडी हो चुका है। आप चाहें तो इसमें मैगी मसाला भी ऐड कर सकते हैं, इससे टेस्ट जो है और भी बढ़िया हो जाता है। सो फाइनली मेरा मशरूम का सब्जी जो है बनके रेडी हो चुका है। ये रहा मेरा मॉर्निंग ब्रेकफास्ट आज का। मुझे मशरूम जो है बहुत ही पसंद है, स्पेशली घर का, और इस टाइप का जो मशरूम का भुंजी टाइप का बनाया जाता है वो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो आप लोग घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब मैं इसे खाने वाली हूँ। आता है सो मैं जो है आपको थोड़ा सा खा के दिखाती हूँ, ठीक है। मेरे पास ट्राइपॉड नहीं है इसलिए मैंने ऐसे रखा हुआ है, सॉरी फॉर देट। तो ये रहा मशरूम और ये रहा रोटी। बहुत ही टेस्टी है सही में, और इस साल का फर्स्ट मशरूम खा रही हूँ मैं। तो जो गांव में रहते हैं उनका तो मतलब आपको मिल जाएगा इजीली, जंगल उंगल में चाहिए तो उसे जो है अच्छी तरह से साफ करके खाइएगा और पता लगा लीजिए कि ये कौन सा मशरूम है, क्योंकि जंगल वगैरह में जो है सांप छाती भी निकलता है। तो अच्छा से सतर्क हो के मशरूम की पहचान कीजिए, क्योंकि मेरे साथ ऐसा ऑलरेडी हो चुका है। मेरे पूरे फैमिली ने जो है वो सांप वाला मशरूम जो है खा लिया था और फिर बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गया था, क्योंकि उसमें मतलब बोलते हैं ना पॉइजन टाइप का था थोड़ा सा, तो उल्टी होने के कारण जो है जहर निकल गया था। बस मेरी मम्मी नहीं खाई थी घर पे, बाकी हम लोग सबको ही खाए थे और सबका तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गया था, पूरा उल्टी मतलब चक्कर बेहोश टाइप का बहुत हो गया था। तो फिर डॉक्टर वॉक्टर आया था तो फिर एक दो दिन में ठीक हो गए थे हम लोग। इसीलिए आप लोग जो है अगर मशरूम मतलब जंगल से ला रहे हैं तो ध्यान से या फिर अपने जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको दिखा के ही खाइएगा कि कौन सा मशरूम है, नहीं तो आपको जो है बाद में दिक्कत हो सकती है। और अच्छा से बनाइए और खाइए। थैंक यू सो मच प्यार देने के लिए। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।